पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा, लो आज हम भी साहिब आवाज हो गए। आज की कहानी एक ऐसी वकील खातून की है जो अपने गांव की पहली खातून वकील हैं। इनका इलाका गिजर खुदकुशियों की सरजमीन बन चुका है और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा खुदकुशियां यहां होती हैं। आज के इस वीलॉग में हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि किस तरह जेलों की सरजमीन खुदकुशियों की सरजमीन में तब्दील हो गई और किस तरह शबाना बरकत एडवोकेट इस खुदकुशियों वाले जाल से निकल कर एक खुद मुख्तार खातून बन गई। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज 30 आयरन लेडीज। वेलकम टू द 21st एपिसोड ऑफ द सीरीज। अस्सलाम वालेकुम यासीन अजम, मैं शबाना बरकत और मैं अपने गांव यासीन संदी की पहली फीमेल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। शबाना बरकत बारिश का वो पहला कतरा है जिसने गांव वालों को शऊर दिया कि खवातीन भी लोगों को इंसाफ दिला सकती हैं। इनको देखा देखी अब गांव की और भी खवातीन इस फील्ड में आ रही हैं। अब तक मुतादित तादाद में बेवा खवातीन और जरूरतमंदों के केसेस एडवोकेट शबाना फ्री में लड़ चुकी हैं। ये जो भी खवातीन किसी भी फील्ड में काम करती हो, जी भी में, हम सब के मसाइल कामन है क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी में खवातीन को मुश्किलात फेस करनी होती है। लेकिन मुश्किलात है कह के घरों में नहीं बैठना होता है, हमें बाहर निकलना पड़ता है और उनको फेस करना पड़ता है और अपनी एक मुकाम बनानी पड़ती है सोसाइटी में। खवातीन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है ला में, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर भी अगर वो प्रैक्टिस करें और उनकी प्रैक्टिस अगर चल पड़े तो बहुत ही अच्छा है। इनके अचीवमेंट्स को देखते हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इनको अपना लीगल एडवाइजर सेलेक्ट किया। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स ने इनको गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर का जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया। गिलगित बार एसोसिएशन में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के मनसब में भी फैज रही। अगर गिजर वैली की हर बेटी इसी तरह खुद मुख्तार हो जाए तो खुदकुशियां काफी हद तक कम हो सकती हैं और खुदकुशियों की सरजमीन से जेलों की सरजमीन का टाइटल गिजर वैली को इंशाअल्लाह दोबारा मिल सकता है। याद रहे गिजर वैली में खुदकुशियों की एक मेन रीजन बेरोजगारी है। और खवातीन लॉयर्स के सामने खवातीन अपना मसला बहुत अच्छे से भी पेश करे क्योंकि मर्दों से थोड़ी सी हिचकिचाहट भी महसूस करती है, लेकिन खवातीन के साथ पेश करे तो फिर हमें उन इशूज़ को लेके जाना पड़ता है मेल जज के पास। तो इसलिए ज़रूरी है कि जीबी गवर्नमेंट को जो फैमिली कोर्ट्स है उनको जल्द अज़ जल्द गिलगित बल्तिस्तान में उनका क़याम अमल में लाया जाए। अगर गांव यासीन संधि की एक बेटी लॉयर बन सकती है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? बहुत लोग सवाल करेंगे, यासीन भाई आपने भी तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, क्या आप भी लॉयर हैं? तो इसका आंसर है यस, आई एम अ लॉयर। हम एक चैलेंज कर रहे हैं, 30 हिडन आयरन लेडीज की कहानियां आपके सामने ला रहे हैं। ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इसमें हमें आपकी मदद चाहिए होगी इस वीडियो को आगे फैलाने में। अगर आपने हमारे 30 खानों की सीरीज नहीं देखी है तो भाई आपने क्या किया है, और भाई को इंस्टा में फॉलो मारे।